तो हेलो ऑल स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स, तो माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय उमा सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कल जो आप सभी लोगों के लिए जो है 5 से 6 क्वेश्चन डाले होंगे यूपी पुलिस लेवल का। तो जो जो क्वेश्चन देखे होंगे थोड़ा तो काफ़ी रहा होगा, आप सभी लोगों को पसंद में आया होगा क्वेश्चन कि हाँ कुछ क्वेश्चन ये थोड़ा बहुत था। तो आज जो बताने वाले हैं आप सभी को उसी का जो बचा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा कल में टाइम नहीं था इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाएंगे आपको, जैसा थोड़ा व्यूज आप सब देखते रहेंगे क्योंकि थोड़ा देखने में कम करते हैं। जब आप सभी लोग जितना देखेंगे उतने ज़्यादा मैं जो है धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाता रहूँगा। तो आइए जो है क्लास की शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम न लगाते हुए। तो कहते हैं कि चींटी दाना लेके 100 बार चढ़ती है पेड़ों पर, फिसलती है, गिरती है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाती है। तो आप सभी लोग जो है चींटी की तरह करिए, क्योंकि देखिए चींटी अपने से कई गुना भार लेकर जो है चलती है, तो चींटी की तरह चलिए लेकिन धीरे धीरे आप काफ़ी स्ट्रांग रूम बने। पर डे अगर आप कोई भी चीज़ है हमेशा देखिए सफल होने के लिए नहीं कि आप 10 दिन देखिए, अगर आप 10 और साइड में भटकेंगे तो आप दिक्कत में हो जाएंगे, किसी का भी आप या किसी काम में भी नहीं रह जाएंगे। ऐसे आप 2 साल 3 साल 4 साल करते रहेंगे कुछ भी नहीं होना होगा, छोटा मोटा भी चीज़ आपके हाथ नहीं आएगा। तो इसीलिए जो चीज़ें आप कोई भी आदमी कोई पढ़ाया भले मेटर लांग तरीका सबका आंसर आएगा एक ही, लेकिन थोड़ा तरीका अलग होता है, लेकिन किसी का भी आप तरीका जहाँ से पढ़िए तो उसको एक ही जगह पे आप पढ़िए, उसी को कई बार रिवाइज कीजिए जिससे आपका तैयार हो जाए चीज़। तो आइए जो टाइम लेते हुए ना ज़्यादातर क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया इसमें कि 3 आदमी या 5 औरत एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बताए कि 6 आदमी और 5 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ठीक, अब यह देखिए लगाने के इसका भी कई मेथड है लेकिन आपको बहुत ही जो है आसान होता है जो कम टाइम टेकन ले। देखिए यहाँ पर दिया कि यानी 3 आदमी बराबर कितना हमारे पास 5 औरत, यानी 3 मैन बराबर कितनी औरत है हमारे 5, यानी 5 वुमेन। वन मैन इस पर यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा हमारा, यानी 1 मैन अगर निकालना आपको कितना हो जाएगा 5/3। इसी तरह हमारे पास कितने मैन है 6 मैन, तो 6 मैन बराबर यहाँ गुणा करा देंगे देखिए तो 5/3 बुरा चाहिए 5 × 10 यानी कितना जाएगा 10, यानी 6 मैन इक्वल हम क्या ले सकते हैं 10 चीज़। तो यहाँ से देखिए बनाना क्या चीज़ है, हमें टारगेट 6 आदमी है और टोटल हमारे पास काम कितना है यानी 12 टोटल चीज़ है। तो इधर हम क्या कराएंगे देखिए, यानी 5 से 12 टोटल महिलाएं कितनी है 10 10 5 15। तो इधर साइड में क्या कराएंगे 5 × 12 इधर हो जाएगा हमारा 15 × 1, तो टोटल दिन है उसको हम क्या कर देंगे यस मान ली, बताए कि 6 आदमी और 5 औरतें इसी काम को कितना दिन में कर सकेंगे। तो 5 दिन हमारे टोटल इधर है 5 वुमेन और 10 वुमेन यानी टोटल 15 वुमेन इधर ले लेंगे। अब इसी मान को हम सॉल्व कर लेंगे हमारा वैल्यू आ जाएगा 12×5=60/15, 15×15=60 यानी जो यस बराबर आंसर कितना जाएगा हमारा 4, यानी जो सही हो जाएगा कौन सा ए वाला सही हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, यानी 4 दिन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े जो है आप 1 मिनट के अंदर अपना प्रैक्टिस बना सकते हैं। ठीक, यहाँ समझ पाए देखिए यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 औरतें हैं और यहाँ पर टोटल कितने हैं 15 औरतें, तो उसको हम इक्वल में रखेंगे, जो दिन नहीं दिया उसको एक्स मान लेंगे और दिन कितना है 12 दिन और यहाँ हम रखेंगे फिर 5 औरतें जो हमारे दिया है, तो 6 आदमी 5 औरतें पूछा इसको इधर साइड में। ठीक, तो एक्स बराबर कितना जाएगा 4 दिन, तो आंसर जो जाएगा हमारा ये वाला। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए इसी तरह, एक पाइप 1 मिनट में बाल्टी के 3/7 भाग को भरती है, बताए कि शेष बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 1 मिनट में बाल्टी 3/7 भाग भरता है, तो कह रहा है कि शेष बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से पहले बचा यानी 3/7 भाग कितने टाइम में लग रहा है भरने में 1 मिनट, तो पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे 1 भाग, 1 भाग कितना हो जाएगा हमारे पास उसका जाएगा उधर तो उल्टा कर देगा यानी 7/3 मिनट लगेगा 1 भाग भरने में। तो पूछा कितना है कि शेष, तो शेष क्या करेंगे जो शुरुआत हमारा मान है 3/7 वहां से 1 से माइनस करा देंगे। ठीक, यानी 1 − 3/7 तो 7 × 7 = 7 में से 3 घटेगा कितना जाएगा 4 4/7, तो यहाँ पर लाके इसके साथ हम मल्टीप्लाई कराएंगे 7/3 × 4/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बराबर आ जाएगा कितना 4/3 मिनट, ये हो जाएगा इस सवाल का
आंसर। तो 4/3 मिनट यानी जो हमारा ऑप्शन वाई कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक, ये सब क्वेश्चन है थोड़े ज्यादा लॉन्ग है ना, बस प्रैक्टिस है आपको, जितने प्रैक्टिस बनाएंगे सवाले जो है कम टाइट निकलेंगे, कितनों भी बड़ा है लेकिन आप प्रैक्टिस जब बार बार करेंगे तो आपके लिए आसान लगना पड़ेगा। तो काफी बेस्ट क्वेश्चन है। तो फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताते हैं, ये दो क्वेश्चन है जो अलग तरीका है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये इसको ध्यान से आप सभी लोग क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया, देखिए कह रहा है कि एक धावक 200 मीटर रेस को 24 सेकंड में दौड़कर पूरा करता है, बताए कि उसकी गति कितनी है, यानी गति अर्थात क्या निकालना हमको, स्पीड यानी चाल। तो यहाँ से देखिए फार्मूला हमारा, यानी स्पीड यानी चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी क्या होता है, दूरी बटा समय। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, यस, यानी यस बराबर डिस्टेंस, यानी स्पीड अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देखिए समान यहाँ दिया, यानी हमको चाल से तो यही निकालना है, यस समान, यानी दूरी हमारे पास कितना है 200 बटा, और समय कितना है 24, इसी को हमको सॉल्व करना है, 4×6 24, 4×5 20, और इसको काटेंगे हो जाएगा 25, हो जाएगा 3, अब ये कितना हो जाएगा 25/3। इसमें देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हमारा जो सवाल दिया है मीटर का सेकंड में, यानी हमको बनाना क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप सभी लोग देखिए आज से इनको बता रहे हैं काफी देसी तरीका में, कि आप दिमाग में एक बार फिट कर ले और कभी जीवन भर नहीं भूलेंगे। देखिए यानी जो मीटर पर सेकंड होता है ये क्या हमारा छोटा मान, यानी अगर हमको छोटे से बड़े की ओर जाना है, यानी छोटका, यानी इसको देसी भाषा में क्या बोलता है, छोटका, यानी छोटका से हमको बड़का की ओर जाना है, तो बड़का से गुणा करोगे, बड़का मीन्स होता है यानी 18/5, 18/5 से अगर मल्टीप्लाई करा देंगे हम तो क्या बन जाता है, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा बना देता है। ठीक, यानी छोटा मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड अगर मान दिया है आपको, किलोमीटर पर घंटा बनाना है तो 18/5 से गुणा कराएंगे, यानी बड़का से, बड़ा अगर दिया है छोटा में आना है तो छोटका से गुणा, यानी 5/18 से अगर गुणा कराएंगे तो यानी बड़का से छोटे की ओर ट्रांसफर करेगा, यानी किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड बनाएगा। तो बस ये देसी भाषा में ध्यान दे रहेगा कि बड़का छोटका, बड़का मीन्स होता है यानी देखिए 18/5, 5 से अगर हम 18 में भाग देंगे तो 5×3=15, यानी 3 पूरा परफेक्ट जाएगा, उसके बाद कुछ पॉइंट जाएगा, लेकिन छोटका मतलब क्या होता है 5/18, अर्थात अगर हम 18 से 5 में भाग देंगे पॉइंट में लेना पड़ेगा शुरुआत में। तो बस यही चेक कर लीजिए, उसके बाद आंसर हो जाएगा। तो 5×5 हो जाएगा 5×25, 3×3 3×6 18, 5×6 30, ये आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा हमारा स्पीड, यानी कहाँ इनमें से कोई नहीं, यहाँ से यानी 4/200/24, तो यहाँ से 4 से कटा 4×6=24, 4×5=50/3, 5×25 और 3 से कटेगा 3×6=18, यानी 6×5=30, यानी इसमें इनमें से क्या आ जाएगा कोई नहीं। तो जो हमारा सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, वाई डी। एग्जाम में खासकर इसको भी ध्यान दे रहेगा, क्योंकि काफी लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, अगर वो आंसर आ गया तो देखेंगे इसमें कोई मिल ही नहीं रहा, लग रहा है कहीं गलत कर रहे हैं, नहीं, आपका मेथड चीज़ें सही होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर जो है काफ़ी दिमाग लगाने लगे हैं बाइकिंग, वो छोटा पॉइंट ऐसा ले लेते हैं ट्रिक कि आप वहीं पर फेल हो जाते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन देख लीजिए, हालांकि इनमें से कोई नहीं, यानी हमारा जो आंसर सही हो जाएगा कौन सा, डी वाला। ठीक, तो इसको आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर घंटा की गति से तय करता है, शेष यात्रा 3 किलोमीटर घंटा की गति से तय करता है, बताएं कि उसकी औसत गति कितनी होगी, अर्थात औसत चाल पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए जो आधा यात्रा दिया है शेष, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट ये हमारा एक्स वैल्यू है वाई, तो औसत चाल के लिए देखिए एवरेज निकालने के लिए डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, औसत चाल, औसत चाल का फार्मूला डायरेक्ट क्या देखे थे, जहाँ पर कोई जो फार्मूला लिखवा दे, यानी 2xy/x+y, इसी को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर एवरेज आपको कहीं भी निकालना, क्वेश्चन में कुछ करा होते ना, अगर औसत लास्ट में नीचे लिख दिया इतना पॉइंट कि औसत गत बताइए, तो डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले का, 2xy/x+y, x मतलब पहली वैल्यू यानी 6 है, तो 2×6
अब गुणा में कितना कर देंगे, तीन, पूरे एक बटा का पर आएंगे, दोनों मानों को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, यानी छह को प्लस तीन को दोनों को का कराएंगे, जोड़ देंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखिएगा हमारा दो गुणे छह गुणा तीन, नीचे कितना आ जाएगा, छह तीन नौ आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम मान को का कराएंगे, काट देंगे, यहाँ तीन से काटेंगे, तीन दिखा नौ, तीन एक तीन, तीन दुना छह, यानी कितना आ जाएगा हमारा चार। तो आसन कौन सा आ जाएगा, यानी बी वाला से, चार किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे एवरेज निकाला जाता है, ठीक है, टू एक्स वाई पान एक्स प्लस वाई। और ये सब नॉर्मल क्वेश्चन पर जान लीजिए, ऐसे एकदम पूरा यूपीपी एसएससी जीडी रेलवे ग्रुप डी इन सब परीक्षाओं के लिए काफी बेस्ट पॉइंट है, इतना सब तैयार कर लीजिएगा, बेहतरीन पॉइंट हो जाएगा आपका पर डे, लेकिन क्लास देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट अगला टाइप बताते हैं क्वेश्चन का, देखिए क्वेश्चन नंबर पांच जो है, चार क्वेश्चन बता चुके हैं सभी लोगों को, ये पुराने वाले पेपर जो है थोड़ा सात क्वेश्चन ये है, थोड़ा आज यहीं तक क्लास रखेंगे, लेकिन सात क्वेश्चन जो होगा आपका काफी पॉइंटेड है ये सब क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पांच जो है, सात क्वेश्चन आप सभी बताएं, इसमें सातों सात तरीका है। एक आयत का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से तीन गुना ज्यादा है, चौड़ाई से तीन गुनी ज्यादा है, बताएं कि आयत की परिधि कितनी होगी। परिधि मतलब होता है क्या, परिमाप होता है। यहाँ से देखिए चौड़ाई से तीन गुनी है, कौन सा, यानी लंबाई, लंबाई क्या मान लेंगे, यानी हमारा लंबाई जो हो जाएगा तीन एक्स, चौड़ाई से तीन गुनी है कौन सा, लंबाई, लंबाई तीन एक्स हो जाएगा, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा हमारा एक्स, ठीक। उसके बाद यह है आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एल गुणे बी, ठीक, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका टोटल मान दिया हमारे पास कितना, 12, लंबाई के हिसाब से 3 एक्स रखेंगे हम, और गुणे एक्स, कितना आ जाएगा 12, ये आ जाएगा हमारा 3 एक्स स्क्वायर बराबर 12, यहाँ से काट देंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो इधर जा रही हमारा रूट लगा देगा अंडर रूट 4, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2 मीटर, ठीक। अब पूछा क्या है, परिमाप, यहाँ से देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, तो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी एल प्लस बी, यहाँ पर ला के रख देंगे मान को, दो लंबाई हमारे पास देखिए कितना है, तीन एक्स, और चौड़ाई कितना है एल, दोनों को अंदर में जोड़ देंगे, तीन एक्स प्लस एक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ से देखिए दो गुणे तीन एक चार एक्स, टोटल हो जाएगा ये चार गुना आठ एक्स, एक्स का मान ला के यहाँ पर पूर्ण कर देंगे, यहाँ पर यक्ष का मान कितना आया है 2, 8 गुना 16, ठीक, यानी जो इसकी परिधि आ जाएगा कितना 16 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, बी वाला, जो हमारा सही हो जाएगा बी। ये जो है आपका रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन था, पूछा बहुत पुराना 2017-18 का क्वेश्चन था, तो ऐसे इनको किया जाएगा, ठीक, बेसिक तरीके। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का आ गया, तो आपको जो है थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी ध्यान देना, क्योंकि ये पेपर है ट्रिग्नोमेट्री हो गया, थोड़ा एक अनेक हल होता है समांतर, थोड़ा क्लास 10 का जो होता है शुरुआत का, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ सभी लोगों को कई पॉइंट भी याद करने हैं। और देखिए दिया साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30, तो यहाँ पर देखिए कि ये फार्मूला होता है, ठीक। अब तो जो है क्लास 10 तो उसमें बहुत कम सिलेबस कर दिया, तुम सबके पास तो एक किताब हो सकता होगा, नहीं मिलेगा ही नहीं, पीछे जो पुराने लोग पढ़ेंगे तो उनके पास पढ़े होंगे। तो देखिए इस तरह है साइन ए कॉस बी धन का से साइन बी, तो ये फार्मूला होता है, बराबर ये होता है हमारा साइन ए प्लस बी, ठीक, ये सूत्र हो जाता है, ये सूत्र पे दिया क्वेश्चन, ए मतलब हमारा 60 डिग्री, बी मतलब है 30 डिग्री, तो अंदर जोड़ लेंगे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर ये आ जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, तो जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बाई डी वाला, साइन 90 अंश का मान कितना हो जाता है 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन कोसेक 90 अंश का मान हमेशा 1 होता है, बाकी टेन कॉट इनफाइनाइट, बाकी कॉस सेक का 0 0। तो दो अपरिस बार आते लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आखिरी क्वेश्चन है, यही तो रोकेंगे। या एक त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में है, और उसका परिमाप 94 सेंटीमीटर है, बताएं कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। देखिए कल जो है मैंने अनुपात में आपको पढ़ाया था कि अनुपात को सबसे पहले कैसे हम लगाते हैं, यहाँ पर तीन भुजाएं हैं, तो सबसे पहले इनके अनुपात को हम
एक समान करेंगे अनुपात को। तो देखिए एक अनुपात तीन, एक अनुपात चार, अनुपात एक अनुपात पांच, इनको सेम करने के लिए हम क्या कराते हैं, यानी नीचे वाले मान का एलसीएम लेंगे, तो तीन चार पांच का एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए तीन चौक बारह और बारह पंचे साठ, इनका जो टोटल एलसीएम आएगा कितना हो जाएगा साठ। ठीक, तो जो भी एलसीएम में हमारा आता है सबके साथ उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो एक बटा तीन गुणे साठ अनुपाते एक बटा चार गुणे साठ अनुपाते एक बटा तीन एक बटा पांच, एक बटा पांच गुणे साठ। हम यहाँ क्रास अभिमान को काटेंगे, इसको काटेंगे ये हो जाएगा हमारा बीस, ये काटेंगे हो जाएगा पंद्रह, यहाँ से ये हो जाएगा पूरा बारह। ठीक, तो अनुपात जो हमारा बन जाएगा बीस अनुपाते पंद्रह अनुपाते बारह। ठीक, अनुपात आ गया। अभी पहली भुजा है ये, दूसरी भुजा ये हमारा तीसरी भुजा, इसमें पूछा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो सबसे छोटी भुजा कौन हमारा बारह, लेकिन ओवरऑल पहले सबको जोड़ के टोटल का परिमाप दिया हमारा चौरानवे सेंटीमीटर, तो जोड़ लेंगे बीस दस तीस पाँच पैंतीस, पैंतीस दो सैंतीस और दस सैंतालीस। ठीक, यानी सैंतालीस यूनिट का मान दिया है कितना चौरानवे, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यानी सैंतालीस गुना चौरानवे। ठीक, एक यूनिट का मान आ जाएगा हमारे पास दो, तो सबसे छोटी भुजा इसमें कौन सा, देखिए बीस पंद्रह, जो भी पूछता अगर एक का मान निकल गया, बड़ी पूछता मध्य में पूछता कोई भी निकाल लेते, तो छोटी भुजा क्या हमारा बारह, तो बारह के साथ दो का मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी बारह दूना चौबीस। ठीक, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाई बी वाला चौबीस सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन है आपके रेलवे जो है आरपीएफ का था, कई बार ये रिपीट किया पूछा गया, इसीलिए इसको लगवा दूंगा, तो थोड़ा क्वेश्चन यही तरह रखते हैं, पहले धीरे धीरे बढ़ा रहे। देखिए कल के वीडियो में आपको सभी को पांच क्वेश्चन मिला है, आज सात क्वेश्चन, धीरे धीरे आपको कल आने वाले वीडियो में आपको दस क्वेश्चन बनाएंगे, तो धीरे धीरे आप सभी का जो है इसमें हम बढ़ाते जाएंगे, बीस से कम पच्चीस क्वेश्चन आपका रखेंगे, क्योंकि हर जो भी कंपटीशन होता है पच्चीस क्वेश्चन से तीस क्वेश्चन आगे बढ़ पाता नहीं, हाइएस्ट आपका जो है जैसे एसआई हो गया इसमें आपका चालीस क्वेश्चन लेता हूँ आपका, वैसे कठिन अगले नेक्स्ट धीरे धीरे वीडियो में कोशिश करेंगे आप सभी लोगों को चालीस क्वेश्चन तक लगभग मिल सके। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।